गुफा में पहली बार कैमरा खुला तो क्या क्या देखा? क्या डेनमार्क को परमाणु हमले का खतरा सता रहा है? सबसे बड़ा सवाल, डेनमार्क किसके न्यूक्लियर निशाने पर है? Third World War was a possibility, and also a Third World War with the use of nuclear weapons. So they built this government bunker. इस टॉप सीक्रेट बंकर, न्यूक्लियर बंकर की तस्वीरों को कहां फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा होगा? इस न्यूक्लियर बंकर को कहां फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा? इसे कहां रिवाइंड करके देखा जा रहा होगा? सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, रूस की न्यूक्लियर फोर्स इस बंकर की लोकेशन को लॉक कर चुकी है। यह बंकर डेनमार्क की पहाड़ी के अंदर 60 मीटर की गहराई में है। यहाँ बंकरों का ऐसा जाल है जिसे डेनमार्क का पाताल लोक कहा जाता है। इसे शीत युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। डेनमार्क के न्यूक्लियर बंकर का यह दरवाजा बरसों बाद खुला है, कई वर्षों बाद पहली बार खुला है। डेनमार्क के इस बंकर का नाम रेगान वेस्ट बंकर है। इसे परमाणु हमले का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसके तैयार होने के वर्षों बाद तक डेनमार्क ने बंकर से जुड़ी हर एक जानकारी को छुपा कर रखा था, लेकिन अब इस बंकर को डेनमार्क ने जनता के लिए खोल दिया है। ये पहाड़ी के अंदर बसा डेनमार्क का अदृश्य ठिकाना है, पाताल में बसा एक ऐसा ठिकाना जहां लाइटों की रोशनी से घुप अंधेरा मिट चुका है। ये एक ऐसा अभेद किला है जिसकी गुफाओं का अंत ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलेगा। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश की स्पेशल फोर्स चकमा खा जाए। ऊपर पहाड़ी पर अगर बड़ी से बड़ी मिसाइलें भी फट जाएं, तो इसके सन्नाटे में आकर मिसाइलों का शोर शून्य हो जाता है। इस बंकर को पहली बार डेनमार्क के लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिखाया जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ कितना पुख्ता इंतजाम है। रेगान वेस्ट नाम का यह बंकर साल 1968 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें 350 लोगों के रहने की जगह है। This is a nuclear bunker, and here would be living the Danish government, the regent, some press, some communications people, and some people to make everything work, the machines and the ventilation and so on. So all in all, 350 people living in here. बड़ा सवाल, क्या डेनमार्क को रूस से परमाणु खतरा सता रहा है? जब से रूस ने बेरेंट और नॉर्वेजियन सागर में 14 घंटे से अधिक देर तक परमाणु बॉम्बरों के उड़ान का युद्धाभ्यास किया था, तब से नॉर्डिक देश सावधान हो गए हैं। रात के अंधेरे में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की इस उड़ान को नॉर्डिक देश परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी के तौर पर क्यों देख रहे हैं? डेनमार्क के सबसे बड़े डर की वजह देख लीजिए। रूस ने अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 को बेरेंट सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ाया है। इस अभ्यास में रूस TU-160 के साथ MiG-31 को भी शामिल कर चुका है। TU-160 रूस का अहम परमाणु बम वर्षक विमान है। रूस ने जब से इसका वीडियो जारी किया है, पूरे नाटो में खौफ की लहर दौड़ गई है, क्योंकि रूस के ये ऐसे बम वर्षक विमान हैं, जिनके जरिए रूस किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन युद्ध में भी कर चुके हैं। रूस की तरफ से भले ही ये कहा गया कि ये विमान में ईंधन भरने का अभ्यास था, लेकिन नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान भरकर रूस ने सीधे सीधे 4 देशों को चुनौती देने की कोशिश की है, क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के हवाई मेल ने पुतिन को टेंशन में ला दिया है। रूस से मुकाबला करने के लिए इन 4 देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब 4 देश के लड़ाकू विमान एक साथ मिलकर रूस को जवाब देंगे। अब इन 4 देशों ने एक साथ रूस से मुकाबला करने का फैसला किया है। साथ मिलकर एक दूसरे के आसमान की हिफाजत करेंगे। अगर 4 देशों में किसी भी देश की हवाई सीमा में कोई हरकत हुई, तो 4 देश मिलकर जवाब देंगे।
रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही इन चारों देशों को हमले का डर सता रहा है। रही सही कसर, रूस के लड़ाकू विमान पूरी कर देते हैं। रूस के फाइटर जेट कभी फिनलैंड के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, कभी स्वीडन को डराते हैं, कभी नॉर्वे की निगरानी करते हैं तो कभी डेनमार्क को डराते हैं। रूस से आने वाले खतरे को देखते हुए इन चारों देशों ने बहुत बड़ा फैसला किया है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता किया है, जिसका मकसद है रूस से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना। इसके लिए करार में तीन बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला संयुक्त कमान और नियंत्रण, दूसरा फैसला संयुक्त हवाई क्षेत्र निगरानी, तीसरा फैसला संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास। इस समझौते को स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के वायुसेना कमांडरों ने मिलकर किया है, जिसे नॉर्डिक हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी पहल बताया जा रहा है। संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता पर चारों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने दस्तखत किया है। फिनलैंड के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल जोहा पेका केरनेन, स्वीडन के मेजर जनरल जोनास विकमैन, नॉर्वे के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल रॉल्फ फोलन और डेनमार्क से एयरफोर्स चीफ मेजर जनरल जान डैम ने मिलकर इस करार को असली जामा पहना है। इस करार के तहत अब अगर किसी भी देश के हवाई इलाके में कोई घुसपैठ हुई तो चारों देशों की वायुसेना मिलकर जवाब देगी। इस करार के पूरा हो जाने के बाद रूस से जंग के हालात में अगर एक तरफ रूस के लड़ाकू विमान होंगे तो दूसरी तरफ स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के 300 से अधिक लड़ाकू विमान होंगे। साफ है अगर रूस की एयरफोर्स ने इन देशों को डराने की कोशिश की तो चारों देशों के फाइटर जेट मिलकर जवाब देंगे। नॉर्वे के पास 57 F-16 फाइटर जेट और 37 F-35 फाइटर जेट हैं। इसके साथ ही नॉर्वे ने 15 और फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। फिनलैंड के पास 62 F-18 हॉर्नेट जेट हैं, वहीं 64 F-35 का ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि डेनमार्क के पास 58 F-16 हैं, 27 नए F-35 खरीद रहा है, वहीं स्वीडन के पास 90 से ज्यादा ग्रिपन जेट है। दरअसल चारों नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि चारों देशों ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए ये फैसला किया है, अपनी हवाई सीमाओं को महफूज करने का प्रण लिया है। नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस अपने मेनलैंड के साथ साथ कलिनिनग्राद से हवाई हमले कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक नॉर्डिक देशों को बड़ा खतरा कलिनिनग्राद से उड़ने वाले रूस के लड़ाकू विमानों से है। कलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है, कलिनिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है, कलिनिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है, वहीं कलिनिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है, रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। सवाल है, क्या रूस की सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रहे हैं? क्या इसी वजह से पहले स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने मिलकर संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता किया और अब डेनमार्क अपने न्यूक्लियर बंकर की सीक्रेट तस्वीरें जारी कर रहा है? डेनमार्क नाटो का मेंबर है, उस नाटो का जिसका संगठन ही रूस को खंड खंड करने के लिए हुआ था। अगर रूस ने डेनमार्क पर हमला किया तो इसे नाटो पर हमला माना जाएगा और ऐसी सूरत में नाटो की 31 देशों की सेना रूस पर टूट पड़ेगी। यही वजह है कि पुतिन के आदेश पर रूस में मौजूद हजारों बम शेल्टर को आधुनिक बनाया गया है। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के उन बंकरों की मरम्मत का काम शुरू हुआ जो बरसों से बंद पड़े थे। रूस के तहखानों पर ताला जड़ा था, लेकिन अब सभी बंकरों में फुल रफ्तार के साथ काम शुरू हो गया। यहाँ तक कि 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गईं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बम शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया गया है। यहाँ नाटो का रेडिएशन वार भी खाली चला जाएगा। रूस के ये बंकर अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है।
पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को की धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। ये मॉस्को की जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा पाताल लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। इन्हीं सुरंगों के रास्ते पुतिन को उनके खास परमाणु बंकर तक पहुंचाया जा सकता है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। साफ है, परमाणु हमले से बचने की तैयारी दोनों तरफ हुई है। रूस के परमाणु बंकरों की तस्वीर तो दुनिया पहले भी कई बार देख चुकी है, लेकिन डेनमार्क ने बिना कुछ कहे पहली बार अपने परमाणु बंकरों का दरवाजा खोल न्यूक्लियर वार की नई तकरार का डेंजरस चैप्टर खोल दिया है। ज़ेलेंस्की को नेटो से मिले हथियार अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ। रिपोर्ट मिली है कि रूस में ज़ेलेंस्की के खुफिया मिशन अभी भी जारी हैं। क्राइमिया में तेल डिपो जलाने के बाद पुतिन के दुश्मनों ने एक बड़ा हमला किया और इस अटैक में रूस की एक बड़ी मिसाइल फैक्ट्री जलाकर राख कर दी गई। से करीब 2300 किलोमीटर दूर रूस का बॉम शहर, यहां इस हथियार फैक्ट्री में आग लगी तो मॉस्को में मातम पसर गया। पुतिन टेंशन में आ गए, लेकिन इस आग से ज़ेलेंस्की और बाइडेन के कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंची। इस फैक्ट्री की ऐसी क्या खासियत है जहां आग लगने से पुतिन गम में है और उनके दुश्मन बे इंतहा खुश। पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। क्या इस आग में यूक्रेन का हाथ है? क्या क्राइमिया के तेल डिपो जलाने के बाद ज़ेलेंस्की की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने रूस में घुसकर पुतिन की बेहद अहम हथियार फैक्ट्री को भी खाक कर दिया है? सच जानने से पहले जरा इस आग पर यूक्रेन की सरकार का जश्न देखिए। इस वीडियो को ज़ेलेंस्की के गृह मंत्री के सलाहकार एंटन गेराशेंको ने शेयर किया है। करीब 7 सेकंड के इस वीडियो को दुनिया तक पहुंचाकर यूक्रेन की सरकार इतनी खुश है कि मानो उसने रूस से जंग फतह करने का 7वां दरवाजा तोड़ दिया। ये हथियार फैक्ट्री पुतिन के लिए कितनी अहमियत रखती है आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। अभी आपके लिए जानना ये जरूरी है कि ये हथियार फैक्ट्री है कहां। तो ये हथियार फैक्ट्री मॉस्को से करीब 1500 किलोमीटर दूर पॉम शहर में है। पॉम शहर मध्य रूस में है, यानी बेहद सोच समझकर इसकी जगह चुनी गई है। लेकिन इस बेहद अहम हथियार फैक्ट्री में 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे अचानक आग लग गई और फिर देखते देखते आग का दायरा काफी दूर तक फैल गया। धधकती आग और धुएं के गुबार से ऐसा कोहराम मचा कि पॉम से मॉस्को तक सनसनी मच गई। आप इतना जान लीजिए कि इस हथियार फैक्ट्री के खाक होने से रूस और यूक्रेन में जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। क्योंकि अमेरिका के जिस हिमार्स के बलबूते ज़ेलेंस्की की सेना रूस की ताकतवर फौज से खुद का बचाव कर रही थी, पलटवार कर रही थी, रूस की इस फैक्ट्री में उस हिमार्स से भी पावरफुल हथियार बनते थे। ये रूस की इकलौती फैक्ट्री है जहां हिमार्स को जवाब देने वाले MLRS बनाए जाते थे। इस हथियार और इसे बनाने वाली फैक्ट्री से ज़ेलेंस्की के मददगार इस कदर दहशत में थे कि इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। सेंट्रल रूस के पॉम शहर की ये वही PJSC मोटो वेलिका प्लांट फैक्ट्री है जो नेटो देशों की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी, लेकिन अब आग लगने से इस फैक्ट्री के बर्बाद होने का अंदेशा है।
रूस की सरकार के मुताबिक आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया। क्रेमलिन का दावा है कि आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों और वीडियो के जरिए पुतिन के इस हथियार फैक्ट्री के पूरी तरह से बर्बाद होने का दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि PJSC मोटो विलिखा प्लांट रूस की इकलौती फैक्ट्री है जहां मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS बनाए जाते हैं। यहां टॉर्नेडो S और टॉर्नेडो G जैसे MLRS का निर्माण होता है। रूस के इन हथियारों में 120 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाने का मात्रा है। मौजूदा जंग में MLRS का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ये यूक्रेन के खिलाफ रूस के अचूक हथियारों में से एक है। हथियारों के जानकार रूस के टॉर्नेडो S और टॉर्नेडो G को अमेरिका के हिमार से कहीं ज्यादा ताकतवर मानते हैं। इन हथियारों और इसे बनाने वाली फैक्ट्री से यूरोपियन यूनियन इतने दहशत में आ गया कि दिसंबर 2022 में इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि यहां बने हथियार यूक्रेन की जंग में नाटो के हथियारों के लिए काल साबित हो रहे थे। लेकिन अब यहां आग लगने से जेलेंस्की के 50 से ज्यादा मददगारों ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन की जंग में रूस नाटो के हथियारों से अकेले मुकाबला कर रहा है, दावे चाहे जो भी हो, लेकिन सच ये है कि जेलेंस्की के हथियार गोदाम खाली हो चुके हैं। नाटो की सप्लाई की रफ्तार धीमी हो चुकी है, जबकि रूस है कि उसका जोर हथियारों के उत्पादन को दोगुना करने पर है। Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. यूक्रेन में रूस के हमले करीब 1.25 साल से लगातार जारी हैं। ऐसे में हथियारों की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। Российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения. Руководством страны перед оборонным предприятием поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства. जेलेंस्की के लिए पुतिन के बेशुमार हथियारों से मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसी वजह से उन्होंने रूस के हथियार कारखानों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिस दिन पॉम की हथियार फैक्ट्री में आग लगी, उसी दिन यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के ब्रायांस्क में एक मालगाड़ी पलट गई। रेलवे लाइन पर धमाके की वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में शक की सुर एक बार फिर यूक्रेन की तरफ ही जाती दिख रही है। अभी हाल ही में इसी इलाके में यूक्रेन ने गोले दागे थे। इसकी जद में आकर रूस के कुछ लोग भी मारे गए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन में पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके बाद रूस के आरोपों के मुताबिक चाहे पॉम या ब्रायांस्क, ऐसे हादसों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ रहा। इससे पहले क्राइमिया में रूस के तेल डिपो में ब्लास्ट हुआ तो इसे भी यूक्रेन का ही हमला बताया गया। बीते कुछ दिनों से क्राइमिया यूक्रेन के टारगेट पर है। आए दिन यहां यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं। 29 अप्रैल को भी क्राइमिया के सेवस्तोपोल में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। निशाने पर रूस का बेहद अहम तेल डिपो था। यहां ड्रोन के टकराते भयंकर धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी डरावनी थी कि लोगों का कलेजा कांप गया। आग के इन लपटों को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया, दहशत से भर गया। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में आग इतनी भयंकर लगी थी कि करीब 11,000 स्क्वायर फीट का इलाका धू धू कर चलने लगा। जेलेंस्की खुलकर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर कह चुके हैं कि यूक्रेन की आर्मी बहुत जल्द रूस पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करेगी। Дуже сильно допомогло. Ну, ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'явиться F-16 або що ще, ну, заспокоювати Росію тим, що у нас ще нам потрібно кілька місяців, щоб навчатись на літаках, і тільки потім ми почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо йти вперед паралельно. Я вважаю, що це. कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन का पलटवार शुरू भी हो चुका है। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं, मसलन क्राइमिया, पॉल और ब्रायांस्क। लेकिन सवाल तो ये है कि जब पुतिन अपने सबसे ताकतवर हथियारों को आजमाने पर आ गए तो यूक्रेन का क्या होगा। बाइडेन ने एक
ऐसी बात कर दी जिसने पुतिन को गुस्से से लाल कर दिया है। जो बाइडेन ने जब बताया कि पुतिन के कितने फौजी इस युद्ध में मारे गए हैं, ढेर हो गए हैं, तो पुतिन की तरफ से जवाब आया कि बाइडेन फिजूल की बातें कर रहे हैं। पुतिन को नाराज करना अब बाइडेन को महंगा पड़ सकता है। यूक्रेन के युद्ध में पुतिन ने कितने आदमी खोए, ज़ेलेंस्की ने रूस की कितनी फौज खत्म कर दी, कितने कब्रिस्तान बने यूक्रेन के अंदर भी और यूक्रेन के बाहर रूस के अंदर भी, यूक्रेन की कितनी फौज मारी गई, पुतिन के कितने सैनिक ढेर कर दिए गए, आंकड़े बहुत से हैं, लेकिन सवाल है कि सबसे पुख्ता रिकॉर्ड किसके पास है। इसका जवाब तो हाथ उठाकर बाइडेन ने बताया है कि उन्होंने रूस के एक एक सैनिक का ताबूत गिन लिया है, एक एक घायल का रिकॉर्ड अमेरिका के पास है। ये कुछ हजार नहीं, दसियों हजार नहीं, बल्कि आंकड़ा 1,00,000 तक जा सकता है। बाइडेन ने एक एक ताबूत गिनकर बताया है कि दिसंबर 2022 के बाद पुतिन के 20,000 सैनिक मार दिए गए हैं, जबकि घायलों की तादाद 1,00,000 को पार कर सकती है। जब यूक्रेन के युद्ध को लेकर हुई तबाही की तस्वीरें बहुत धुंधली हैं, रूस और यूक्रेन की सेना को हुए नुकसान पर अपने अपने दावे हैं, तब अमेरिका की तरफ से युद्ध में हुई मौत का कच्चा चिट्ठा पेश करने की बात सबको हैरान करने वाली है, क्योंकि अब तक अमेरिका ने खुले तौर पर ये बात साफ नहीं की थी कि रूस के कितने सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। अब तक अमेरिका की तरफ से सारे सिर्फ अंदाजा लगाने वाले आंकड़े ही बताए गए हैं, लेकिन अब अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि दिसंबर 2022 से अब तक, यानी जनवरी 2023, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 तक, इन 5 महीनों में पुतिन के 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और इसकी बड़ी वजह बखमूत का बैटल ग्राउंड है। बाइडेन ने जिस तरह से रूस के ताबूतों की गिनती की है, ये पुतिन के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रूस ने कभी अपने मारे गए सैनिकों की तादाद 6,000 से ज्यादा नहीं बताई। यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान पर अमेरिका ने नवंबर 2022 में बताया था कि उसके 1,00,000 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। अमेरिका में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं जनरल मार्क मिले। मिले ने ये आंकड़ा युद्ध के पहले 8 महीनों के लिए दिया था, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को हुए नुकसान पर ज्यादातर खामोश रहा है, यानी वो ये नहीं बताना चाहता कि ज़ेलेंस्की के कितने सैनिकों की मौत हुई है। वो इस पर बहुत साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका के जनरल मार्क मिले ने नवंबर 2022 में एक बड़ा आंकड़ा बताया था। उनके मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन ने या तो 1,00,000 सैनिक खो दिए हैं या फिर वो घायल है। अगर पिछले 5 महीनों में रूस के 20,000 सैनिक मारे गए हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा मौत बखमूत में ही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिक सिर्फ बखमूत की लड़ाई में कुर्बान कर दिए हैं। बखमूत में 8 महीने से बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है और रूस के वैगनर का दावा है कि उसने 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है और कुछ ही हिस्सा यूक्रेन की फौज के पास बचा हुआ है। इस बीच यूक्रेन की फोर्स की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो बखमूत का बताया जा रहा है। इस वीडियो में यूक्रेन के जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की का दावा है कि उनकी फौज ने बखमूत में वैगनर के अलावा पुतिन की बहुत खतरनाक सैन्य टुकड़े को खत्म कर दिया है। Слава Україні! Прогнози порадить тримати Бахмут, знищувати Вагнера, знищити інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших. यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर ऐसे वीडियो कम ही बनाते हैं, क्योंकि अब भी बयान जारी करने का बड़ा काम खुद ज़ेलेंस्की ने संभाला हुआ है और ज़ेलेंस्की तो हर बात पर ये दावा करते हैं कि वो रूस से एक एक इंच जमीन का हिसाब करके रहेंगे। फिलहाल बखमूत से आ रही रिपोर्ट पुतिन के हक में नहीं दिख रही और कह सकते हैं कि बखमूत पर कब्जा करने के लिए पुतिन को हजारों सैनिकों की मौत का सामना करना पड़ा है।
जब यूक्रेन के युद्ध में बाइडन ने रूस की लाशों को गिनने का काम शुरू किया तब वो कुछ अपने आंकड़े भूल गए, क्योंकि यूक्रेन में बाइडन का कमांडो भी मारा गया है। अमेरिका का कमांडो हैरिस एंजियो, जिसकी उम्र सिर्फ 26 वर्ष थी, उसकी मौत 19 अप्रैल को बखमूत में हुई, यानी वो यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर लड़ रहा था। रिपोर्ट है कि वो बखमूत से यूक्रेन के लोगों को निकालने के मिशन पर था, तभी पुतिन का गोला उसके करीब गिरा और उसकी मौत हो गई। नवंबर में यूक्रेन पहुंचा हैरिस एंड्रयूज 2017 से 2022 तक अमेरिकी सेना के मरीन्स का हिस्सा था। युद्ध के दौरान उसने खार्किव से अपने दोस्त को एक मैसेज किया। उसने अपने दोस्त को एक तस्वीर भेज करके लिखा था कि अगर वो युद्ध में मारा जाता है तो उसे उसके हथौड़े के साथ याद किया जाए। इस पर उसके दोस्त ने जवाब दिया कि तुम्हारा हथौड़ा हमेशा रहेगा। इसके बाद एंड्रयूज ने कहा कि पुतिन की हुकूमत खत्म होनी चाहिए। यूक्रेन के युद्ध ने बहुत से भाड़े के सैनिकों को खींचा है। इसमें ब्रिटेन के कमांडो भी रहे हैं और ब्राजील के स्नाइपर भी रहे हैं। बहुत देशों से ऐसे लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ने पहुंचे, लेकिन रूस की तरफ से सबसे बड़ा नाम वैगनर का रहा है। वैगनर वो प्राइवेट मिलिशिया है जिसको पुतिन ने बखमूत जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। वैगनर 80% कामयाब भी हुआ, लेकिन इस युद्ध में उसके हजारों लड़ाके बहुत सस्ती मौत मारे गए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से पुतिन के लिए अप्रैल के महीने में ही एक चौंकाने वाली खबर आई। इसमें ऐसा दावा किया गया कि पुतिन को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया। दावा यह है कि पुतिन के जितने भी फौजी यूक्रेन के युद्ध में मारे गए हैं उसकी वजह शराब है। पुतिन की ज्यादातर सेना शराब के नशे में धुत रहती है। ना उनमें अनुशासन है, ना वो युद्ध लड़ने के काबिल है। वो अपने दुश्मन यानी यूक्रेन को ठीक से टारगेट तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि रूस की फौज शराब की आदी हो चुकी है। ये दावा बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को यूक्रेन जैसे देश के मुकाबले में उतरकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये युद्ध एक साल से ऊपर खींचेगा और पुतिन को हजारों सैनिक गंवाने पड़ेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 191,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये यूक्रेन का बड़ा दावा है जिसकी स्वतंत्र स्रोत भी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अगर यह सच है तो यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। हालांकि अमेरिका अगर दावा कर रहा है कि 20,000 सैनिक सिर्फ 5 महीने में मारे गए हैं, तो पुतिन को अब सामने आकर बताना होगा कि सही आंकड़ा क्या है। Bearing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land, and it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps, but we will do it, and they have to know it that we will do it, and they have time to go away or we will kill them. यूक्रेन के युद्ध में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब रूस की सेना घिरी हुई नजर आई है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब यूक्रेन के क्वाड कॉप्टर यानी ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए और रूस के सैनिक अपने बंकरों से बाहर भागते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों से ना सिर्फ हारी बल्कि बहुत बुरी तरह से खदेड़ दी गई। ऐसा रूस के साथ खेरसोन में हुआ है, ऐसा पुतिन की फौज के साथ खार्किव में हुआ है। यही वजह है कि बड़े बड़े झटकों के बाद पुतिन ने सेना की कमान नए हाथों में दी। ज़ेलेंस्की की फौज बार बार दावा कर रही है कि उसने रूस के इतने फौजियों को मौत के घाट उतारा है कि अब रूस में उनके लिए अलग से कब्रिस्तान तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार में रूस के क्रास्नोदार इलाके में एक कब्रिस्तान की तस्वीर छपी, इसका वीडियो भी है। कहा जा रहा है कि यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसे पैदल पार कर पाना भी मुश्किल है। बताया जा रहा है कि यह कब्रिस्तान उन भाड़े के सैनिकों का है जो रूस के लिए लड़ने के लिए यूक्रेन गए थे और वहां से वो नहीं उनकी लाशें ट्रकों में भरकर रूस वापस लाई गई। इस कब्रिस्तान का वीडियो पुतिन के पास भी गया है और कोई शक नहीं कि इन तस्वीरों को देखकर वो भी हैरान है।
इस कब्रिस्तान में ज्यादातर उन लड़ाकों के शव दफन हैं, जो वैगनर के नाम पर यूक्रेन कूच करने के लिए तैयार हुए थे। इनमें हजारों ऐसे अपराधी हैं जो जेल में बंद थे। कहा जा रहा है कि पुतिन ने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। कई कब्र ऐसी हैं जो लावारिस हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो रोज रूस के करीब 500 सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है और आंकड़ा अब 191,000 को पार कर चुका है। अब तक वो रूस के 3,700 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है और रूस के 300 से ज्यादा फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। अब ये नुकसान कैसे किया जा रहा है वो देखिए। ज़ेलेंस्की की फौज के पास हथियार कम है, लेकिन वो किसी तरह पुराने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करके रूस को चुनौती दे रही है। ये सोवियत दौर का MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर है और ये नीचे उड़ते हुए रूस के उन मोर्चों पर बमबारी कर रहा है जहां रूस के पास एयर डिफेंस मजबूत नहीं है। ये 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर है, इसे उड़ाने वाले पायलट की उम्र भी इससे कम है। बयासी साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थीं कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हविजर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश ज़ेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जबकि ज़ेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं, वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही ज़ेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में ज़ेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है, लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्ज़र यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी, जिन्हें चाहकर भी ज़ेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमूत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमूत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ज़ेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमूत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ही ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर पुतिन की फौज के आगे हथियार नहीं डालेगी, जबकि पुतिन हर हाल में बखमूत को जीतने की जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से बखमूत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, जिसकी वजह से बखमूत में कई मोर्चों से यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर तक हो चुकी है। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा था कि पुतिन बखमूत की जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका से मिले गाइडेड बमों के प्रहार से बखमूत में रूसी सेना में भगदड़ मच गई थी। यूक्रेन की सेना ने जहां भी ये बम गिराए वहां तबाही मच गई। अमेरिका का ये गाइडेड बम रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट को भी उड़ाने की ताकत रखता है। यूक्रेन ने इस बम से बखमूत में रूस के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया था, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार ही नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो बखमूत में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।
जो पुतिन के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमूत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेस्क को लुहान से यूक्रेन की सेना को खदेड़ना है तो उन्हें पहले बखमूत को हथियाना होगा, क्योंकि बखमूत जीतने के बाद पुतिन डोनेस्क के क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क शहर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो अब भी पुतिन की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन बखमूत पर कब्जा होने के बाद ये दोनों शहर रूस की तोपों की रेंज के अंदर आ जाएंगे। इसी वजह से बखमूत में पुतिन ने उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी मैदान में उतारा हुआ है। कुछ रोज पहले ही वैगनर ग्रुप ने यह दावा किया था कि बखमूत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से बखमूत में यूक्रेन की सेना हार के करीब पहुंच चुकी है। और यूक्रेन का ऐसा हाल देखकर उसके पड़ोसी पोलैंड की भी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसे भी रूस के हमले का डर सता रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया। नेटो देश पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इसी कर्नाटक के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादे पर प्रधानमंत्री का हमला, बोले कांग्रेस ने लिया बजरंग बली को ताले में बंद करने का संकल्प। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, रोड शो में दिखी भारी भीड़, प्रचार के वक्त निकालकर पीएम मोदी ने बच्चों से भी की बात। कर्नाटक चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह की न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत, मुस्लिम आरक्षण को बताया संविधान विरोधी। शरद पवार ने किया एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान, फैसला वापस लेने के लिए समर्थकों की नारेबाजी, अजीत पवार बोले फैसले पर विचार करेंगे पवार। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली फिल्म द केरल स्टोरी की एक्टर अदा शर्मा, कहा ट्रेलर रिलीज होने के बाद से मिल रही हैं धमकियां। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या, हमले के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं, यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा, ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आ गया है, उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है, इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3,00,000 तक करेगा। इसके साथ ही वो 2,000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट गया। लेकिन एक दूसरा नेटो देश लिथुएनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुएनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो ये सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुएनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी, और लिथुएनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुएनिया को ये डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे, और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ लिथुएनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है, यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब ज़ेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए, और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए, यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया, और अब लिथुएनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। के बीच ही कादिरव ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरव रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही, जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी जहां रमजान कादिरव कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी कहर बनकर टूट पड़ेगी।
कादिरफ ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरफ को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरफ ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरफ ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और रूस की सेना को ये पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरफ के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरफ के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरफ की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरफ के आदेश का इंतजार करते हैं और एक बार कादिरफ ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरफ ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरफ अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरफ ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरफ के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरफ एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरफ का ये दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी। कर्नाटक के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला, बोले कांग्रेस ने लिया बजरंग बली को ताले में बंद करने का संकल्प। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, रोड शो में दिखी भारी भीड़, प्रचार से वक्त निकालकर पीएम मोदी ने बच्चों से भी की बात। कर्नाटक चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह की न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत, मुस्लिम आरक्षण को बताया संविधान विरोधी। शरद पवार ने किया एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान, फैसला वापस लेने के लिए समर्थकों की नारेबाजी, अजीत पवार बोले फैसले पर विचार करेंगे पवार। आय से अधिक संपत्ति मामले में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी ने के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम समेत 19 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, 20 करोड़ कैश और कई अहम कागजात जब्त। गौतम गंभीर और विराट विवाद मामले में बीसीसीआई का एक्शन, दोनों पर लगा मैच फीस का 100% जुर्माना, कल लखनऊ के मैच के बाद गंभीर और विराट के बीच हुई थी झड़प। का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है, दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे, वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और सीएआर यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरफ भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरफ ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरफ ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरफ की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी।
82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हविजर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश जेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जबकि जेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं, वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी जेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया। और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से जेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में जेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्ज़र यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी, जिन्हें चाहकर भी जेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं, और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमूत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमूत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमूत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ही जेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर पुतिन की फौज के आगे हथियार नहीं डालेगी, जबकि पुतिन हर हाल में बखमूत को जीतने की जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से बखमूत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, जिसकी वजह से बखमूत में कई मोर्चों से यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर तक हो चुकी है। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा था कि पुतिन बखमूत की जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका से मिले गाइडेड बमों के प्रहार से बखमूत में रूसी सेना में भगदड़ मच गई थी। यूक्रेन की सेना ने जहां भी ये बम गिराए वहां तबाही मच गई। अमेरिका का ये गाइडेड बम रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट को भी उड़ाने की ताकत रखता है। यूक्रेन ने इस बम से बखमूत में रूस के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार ही नहीं बचे हैं, और अगर जल्द ही उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो बखमूत में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, जो पुतिन के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमूत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेस्को लुहांस से यूक्रेन की सेना को खदेड़ना है तो उन्हें पहले बखमूत को हथियाना होगा, क्योंकि बखमूत जीतने के बाद पुतिन डोनेस्क के क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क शहर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हविजर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश जेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं, और मदद के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जबकि जेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं, वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी जेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे।
बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे, लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है, इसी वजह से वो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है और इसके लिए पोलैंड ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पोलैंड इस पैसे से आने वाले 12 साल में एक ऐसी सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन की सेना से मुकाबला कर सके और बिना वक्त गंवाए रूस के किसी भी हमले का जवाब दे सके, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आ गया है। उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है, इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3,00,000 तक करेगा। इसके साथ ही वो 2,000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट गया। लेकिन एक दूसरा नेटो देश लिथुएनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुएनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो ये सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुएनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी और लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुएनिया को ये डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे और शायद उस सौ बात की एक बात में आज रमजान कादिर अपने खुखार लड़ाकों की एक प्राइवेट आर्मी बनाने का ऐलान किया जो पूरी दुनिया में होने वाली लड़ाइयों में शामिल होगी। इसराइल के खिलाफ चक्रव्यूह रचते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक दशक के बाद सीरिया जाने का फैसला कर लिया। चीन की समंदर में घेरेबंदी करने के लिए भारतीय नौसेना के 2 जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर पहुंच गए, जहां वो अगले 1 हफ्ते तक अभ्यास करेंगे। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की जेल में ही हत्या कर दी गई और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव अब पूरी दुनिया पर कहर बरपाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच ही उन्होंने दुनिया के कई देशों को खौफ से भर देने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया। रमजान कादिरव अब अपनी एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी बनाने जा रहे हैं, यानी कादिरव के पास जल्द ही अब अपनी एक बहुत बड़ी सेना होगी जिसमें दुनिया भर के खतरनाक लड़ाकों को शामिल किया जाएगा। इन लड़ाकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ सकें। मतलब ये कि जिस भी देश में कादिरव की प्राइवेट आर्मी के लड़ाकों को बुलाया जाएगा वो वहां पहुंच जाएंगे और वैगनर ग्रुप की तरह ही वो वहां खून खराबा मचा देंगे, क्योंकि कादिरव का यही सपना है कि वो वैगनर ग्रुप की तरह ही एक खूंखार प्राइवेट आर्मी बनाए। और यूक्रेन जंग के बीच ही कादिरव ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरव रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी जहां रमजान कादिरव कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी कहर बनकर टूट पड़ेगी। कादिरव ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरव को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया,
चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए जेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरव के आदेश का इंतजार करते हैं और एक बार कादिरव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरव का ये दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो, लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमूत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं, वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं, रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरव ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। जेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरव की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने NCP अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में NCP के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। 82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों NCP में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि अजीत पवार NCP के कई विधायकों के साथ BJP में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हविजर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश जेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि जेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं।
वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी जेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया। और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से जेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में जेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्ज़र यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी, जिन्हें चाहकर भी जेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं, और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमूत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमूत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमूत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ही जेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर पुतिन की फौज के आगे हथियार नहीं डालेगी, जबकि पुतिन हर हाल में बखमूत को जीतने की जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से बखमूत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, जिसकी वजह से बखमूत में कई मोर्चों से यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर तक हो चुकी है। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा था कि पुतिन बखमूत की जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका से मिले गाइडेड बमों के प्रहार से बखमूत में रूसी सेना में भगदड़ मच गई थी। यूक्रेन की सेना ने जहां भी ये बम गिराए वहां तबाही मच गई। अमेरिका का ये गाइडेड बम रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट को भी उड़ाने की ताकत रखता है। यूक्रेन ने इस बम से बखमूत में रूस के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार ही नहीं बचे हैं, और अगर जल्द ही उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो बखमूत में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, जो पुतिन के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमूत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेस्क और लुहान्स से यूक्रेन की सेना को खदेड़ना है तो उन्हें पहले बखमूत को हथियाना होगा, क्योंकि बखमूत जीतने के बाद पुतिन डोनेस्क के क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क शहर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो अब भी पुतिन की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन बखमूत पर कब्जा होने के बाद ये दोनों शहर रूस की तोपों की रेंज के अंदर आ जाएंगे। इसी वजह से बखमूत में पुतिन ने उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी मैदान में उतारा हुआ है। कुछ रोज पहले ही वैगनर ग्रुप ने यह दावा किया था कि बखमूत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से बखमूत में यूक्रेन की सेना हार के करीब पहुंच चुकी है। और यूक्रेन का ऐसा हाल देखकर उसके पड़ोसी पोलैंड की भी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसे भी रूस के हमले का डर सता रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया। नेटो देश पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में बुरी तरह गड़ रहा है, और उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि रूस की मिसाइलें किसी भी दिन उसकी तरफ घूम सकती हैं। यानी पुतिन किसी भी दिन उसके पड़ोसी यूक्रेन की तरह उस पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे, लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है, इसी वजह से वो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है, और इसके लिए पोलैंड ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पोलैंड इस पैसे से आने वाले 12 साल में एक ऐसी सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन की सेना से मुकाबला कर सके।
और बिना वक्त गंवाए रूस के किसी भी हमले का जवाब दे सके, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा, ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आ गया है। उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है, इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3,00,000 तक करेगा। इसके साथ ही वो 2,000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट गया। लेकिन एक दूसरा नेटो देश लिथुएनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुएनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो ये सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुएनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी, और लिथुएनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुएनिया को ये डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे, और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ लिथुएनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब ज़ेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए, और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए हैं। यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया, और अब लिथुएनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आई तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर बैन लगाएगी, जिसके बाद कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने फैसले को सही बताया। ये तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार ने पिछले साल ही 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसराइल को घेरने के लिए ईरान ने अपना सीरिया प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सुबह इसराइल के पड़ोसी देश सीरिया रवाना होने वाले हैं। बीते कुछ वक्त से इसराइल सीरिया पर हमले करने में लगा है, और ईरान भी इसराइल के खिलाफ खेमेबंदी में जुटा है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का 2 दिन का सीरिया दौरा अहम होने वाला है। ये दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि बीते 12.5 साल में पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति सीरिया पहुंचेगा, क्योंकि 2011 में सीरिया में लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान का कोई राष्ट्रपति वहां नहीं गया है। लेकिन अब इसराइल से ईरान की दुश्मनी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए सीरिया जाना जरूरी हो गया है। भले ही ईरान ने अपने दौरे की वजह में इसराइल का नाम तक न लिया हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही है, और वो है इसराइल को घेरना, क्योंकि इसराइल ईरान का दुश्मन नंबर 1 है। ऐसा दुश्मन कि इसराइल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान ने सऊदी अरब तक से दोस्ती कर डाली, जबकि इसराइल सऊदी अरब के नजदीक जाने के मौके ढूंढ रहा था। अमेरिका मध्यस्थ बनने में लगा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इसराइल के प्लान पर पानी फिर कर रख दिया। उसने सऊदी अरब को अपने पाले में कर लिया, और अब इसराइल पर धावा बोलने के लिए ईरान के राष्ट्रपति सीरिया निकलने वाले हैं। ईरान और इसराइल के बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिलते, दोनों के बीच मीलों का फासला है, मगर यहीं पिक्चर में आता है सीरिया। सीरिया इसराइल का पड़ोसी भी है और ईरान का दोस्त भी, और सीरिया ईरान के बोझ तले ऐसा दबा है कि वो ईरान को किसी भी बात पर न तो कह ही नहीं सकता, बल्कि क्योंकि सीरिया के 12 साल से जारी गृह युद्ध में अगर वहां की सरकार टिकी हुई है तो वो ईरान की उसे दी आर्थिक और सैन्य मदद की बदौलत है। इस वजह से अभी 3 दिन पहले ही इसराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सीरिया से ईरान को भगाने के नाम पर 2017 से इसराइल सीरिया पर जाने कितनी एयर स्ट्राइक कर चुका है, और
बीते महीने दो महीने से तो वो कभी सीरिया पर तोप चला रहा है तो कभी बम गिरा रहा है। और तो और इसराइल बाकायदा सीरिया की सेना को अरबी में पर्चे लिखकर हिजबुल्ला से दूर रहने की धमकी भी दे चुका है। और लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ईरान की टीम में है। इसराइल से उसका 36 का आंकड़ा है। ऊपर से हिजबुल्ला सीरिया में भी अपने अड्डे बनाए बैठा है। और पिछले महीने ही इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस अपनी सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि ईरान और हिजबुल्ला के हौसले बढ़ गए, इसलिए बहुत जल्द इसराइल जंग में गिर सकता है। और ईरान और हिजबुल्ला इसराइल पर सीधे हमला करके उससे हिसाब कर सकते हैं। ईरान पहले ही मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है। इसराइल की इंटेलिजेंस में साफ साफ आशंका जताई गई कि रमजान का महीना खत्म होते ही इसराइल की लड़ाई हो सकती है। और रमजान का महीना अब खत्म हो चुका है और इसराइल के लिए जंग का काउंटडाउन चल पड़ा है, क्योंकि ईरान न सिर्फ सीरिया बल्कि इसराइल के तमाम दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाने में लगा है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति सीरिया जा रहे हैं तो वहीं उसके विदेश मंत्री इसराइल के दूसरे पड़ोसी लेबनान की सीमा के पास पहुंच गए। इस पर इसराइल इस कदर भड़क गया कि उसने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे डाली और ये चेतावनी दी कि ईरान आतंकियों से हाथ मिलाकर उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है। इसराइल ने दावा किया कि उसका मकसद आतंकियों का खात्मा है और अगर कोई उनसे हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश करेगा तो वो भी इसराइल की हिटलिस्ट में होगा। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि इसराइल का आरोप है कि ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान पहुंचकर हिजबुल्ला के कमांडर के साथ भी बैठक की। हिजबुल्ला वो आतंकी संगठन है जो इसराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता है। और ईरान के विदेश मंत्री का हिजबुल्ला के कमांडर से मिलने का मतलब एकदम साफ है कि ईरान अब इसराइल को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसराइल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि ईरान उसके देश में हमले कराने के लिए आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है और इसके लिए उसने हिजबुल्ला समेत फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों तक न सिर्फ बड़ी रकम पहुंचाई बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई भी की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने भी कुछ दिन पहले दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हालांकि नेतन्याहू ने इसके बाद उन पर पलटवार करते हुए ये चेतावनी दी थी कि ईरान इसराइल को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी न करे, क्योंकि वो ईरान को मिट्टी में मिलाने के बाद ही चैन की सांस लेगा। और इसराइल की इस धमकी में दम भी लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इसराइल को ईरान के परमाणु बमों के ठिकाने की जानकारी मिल चुकी है। इसराइल पिछले कई महीनों से ईरान के एटम बम कार्यक्रम को रोकने में जुटा है, जिसके लिए वो कई बार ईरान पर हमले की धमकी तक दे चुका है। इसी बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इसराइल को ईरान के परमाणु बम के ठिकाने की खबर मिल चुकी है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसराइल को ये जानकारी ब्रिटेन से मिली, जो पिछले कई साल से एक ईरानी जासूस के संपर्क में था। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने उस जासूस के हवाले से मिली खबरें इसराइल तक पहुंचाईं। हालांकि जिस अली रजा अकबरी नाम के जासूस की बात सामने आ रही है वो ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री थे। उन्हें इसी साल जनवरी में ईरान में जासूसी के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। अमेरिकी अखबार का कहना है कि ब्रिटेन से मिली जानकारी की मदद से इसराइल जल्द ही ईरान पर एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन ईरान का साथी और फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास एक्शन में आ गया है। इसराइल की जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत के बाद इसराइल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद इसराइल की सेना ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में रॉकेट दागे गए और दावा किया कि फिलिस्तीनियों ने गाजा से इसराइल की सरहद में 7 रॉकेट दागे, जिनमें 4 को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 3 रॉकेट आबादी वाले इलाकों से दूर खेतों में गिरे, जिसकी वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ। इसराइली जेल में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी की मौत से गुस्साए फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक इलाके में भी जमकर बवाल किया, क्योंकि दावा है कि इसराइल की जेल में जिस प्रदर्शनकारी की मौत हुई वो फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद मूवमेंट नाम के संगठन से जुड़ा हुआ था। फिलिस्तीन का आरोप है कि इसराइल ने उसे बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया था। और इसके विरोध में करीब 3 महीने की भूख हड़ताल के बाद उसने इसराइल की जेल में दम तोड़ दिया। अपने सदस्य की हत्या के बाद गुस्साए इस्लामिक जिहाद मूवमेंट से जुड़े लोगों ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेस्ट बैंक इलाके में वो इसराइल की पुलिस से भिड़ गए और उन पर पथराव किया, जिसके जवाब में इसराइल के पुलिसकर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट फायर की। इस झड़प में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी ईरान में एक सीनियर ईरानी पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर उस वक्त गोली चलाई जब वो अपनी पत्नी के साथ कार में बैठे थे। तभी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें अली रजा शहर की नाम के पुलिस अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक अली रजा शहर की ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक बड़े अफसर थे। उनकी हत्या किसने की और हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं चल सका। लेकिन ईरान की मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अली रजा शराकी की पहचान एक क्रूर अधिकारी के रूप में थी। उन पर कई बार जेल में बंद कैदियों के साथ बेहद हिंसक व्यवहार करने के आरोप लग चुके थे। ईरान में एक हफ्ते के अंदर हत्या की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले एक मौलवी को भी हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इधर टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की अलग अलग टीमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा और पुंछ समेत 4 जिलों में पहुंची
और वहां 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने पिछले साल टेरर फंडिंग के मामले में एक केस दर्ज किया था और उसी केस की जांच के सिलसिले में वहां बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। पुंछ हमले के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए नए सिरे से कार्रवाई शुरू की। उधर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन में किसी एक को चुनने को लेकर भारी दुविधा में फंसा हुआ है। इस अखबार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर की बातचीत के लीक हुए ऑडियो के हवाले से यह दावा किया, जिसकी जानकारी अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज से मिली, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर के बीच पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर गहरा मतभेद सामने आया। कहा गया कि ये दोनों नेता इस दुविधा में फंसे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन के बीच पाकिस्तान किसे चुने। हालांकि दावा है कि हिना रब्बानी खर ने शहबाज शरीफ को ये चेतावनी दी कि वो पश्चिमी देशों को खुश करने के चक्कर में अमेरिका का साथ देना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और कंगाली के इस दौर में अगर चीन ने भी उससे मुंह मोड़ लिया तो पाकिस्तान का तबाह होना तय। और इसी वजह से हिना रब्बानी ने शहबाज शरीफ को चीन का साथ देने की नसीहत दी। वहीं अमेरिकी अखबार का दावा है कि शहबाज शरीफ अपनी मंत्री की दलीलों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अमेरिका को भी साथ में लेकर चलने की वकालत की। वहीं लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद करने से पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जंग के बीच में पाकिस्तान कई बार चोरी छिपे ज़ेलेंस्की के सैनिकों को टैंक और गोला बारूद भिजवा चुका है, जबकि दूसरी तरफ वो रूस से सस्ता तेल और आटे की सप्लाई के लिए भी गिड़गिड़ा रहा। कहा गया कि ऐसे में पाकिस्तान और रूस के बीच हुई डील खतरे में पड़ सकती है, जिसका भारी खमियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है, और वो भी तब जब वो पहले से ही कई मुसीबतों से जूझ रहा है। कंगाली के गगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में सियासी भूचाल भी खड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो पूरे देश में श्रीलंका जैसा बवाल मच जाएगा। इमरान खान पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, हालांकि अब तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही गठबंधन की सरकार को बर्खास्त कर आम चुनाव कराए जाएं, लेकिन अब उन्होंने अपनी सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो पूरे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसा बवाल मच जाएगा, जिसे रोक पाना न तो सरकार के बस का होगा और न सेना और पुलिस के। इमरान खान के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इन दिनों गरीबी और भुखमरी की वजह से भयंकर गुस्सा है और लोग किसी भी तरह सरकार बदलना चाहते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सके। इमरान खान के मुताबिक अगर लोगों को वोट देने का मौका नहीं दिया गया तो वो सड़कों पर होंगे और फिर वो ऐसा हंगामा करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी, गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। इमरान खान का कहना है कि महंगाई समेत कई दूसरे मुद्दों पर लोगों में आक्रोश है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। इसके साथ ही इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अपील की कि वो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात ना बनने दें, क्योंकि पाकिस्तान जिस भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसका सामना श्रीलंका ने पिछले साल ही किया था। तब वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद मजबूरी में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा था। असल में विदेशों से भारी कर्ज लेने की वजह से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, जिसका असर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था और देखते ही देखते वहां सभी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। इस वजह से वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद श्रीलंका में विद्रोह हो गया और मजबूर होकर सरकार को हटना पड़ा था। हालांकि पाकिस्तान की भी हालत इसी तरह की है, वो भी चीन समेत कई देशों से भारी भरकम कर्ज लेकर आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो विदेश से कोई भी चीज मंगवाने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसका भुगतान करने के लिए उसके पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है, तो जनता इसके विरोध में सड़कों पर। गुस्साए लोग अपनी ही सरकार को कोसने में जुटे हैं, जिसे देखते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को जल्द चुनाव कराने की नसीहत दी ताकि वहां के हालात सुधर सकें। लेकिन पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं ये इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि वहां की सेना ही स्कूलों पर कब्जा करने में जुट गई है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में 76 स्कूलों पर कब्जा जमा लिया। ये रिपोर्ट बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले संगठन BNM यानी बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के समाज कल्याण विभाग ने जारी की, जिसमें बताया गया कि कब्जे में लिए गए स्कूलों को वहां की सेना अपनी पोस्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसमें पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के मुताबिक वहां की मशकई तहसील में 13 स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि अबारान तहसील के 63 स्कूलों पर भी पाकिस्तानी फौज का कब्जा है, जिस पर बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ने चिंता जताई और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पाकिस्तानी सेना की इस हरकत पर एक्शन लेने की अपील की, क्योंकि कई महीनों से उन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। शिक्षकों की जगह वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद हैं और वहां पढ़ाई तो दूर, बच्चों को जाने तक की इजाजत नहीं। यानी बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के अत्याचार का पर्दाफाश एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने हो गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इसके पूर्व दिशा में ईरान तो दक्षिण में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान बनने के साथ ही स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग होने लगी थी।
यानी यहाँ पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, जो पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल नहीं पचती है। इसलिए आए दिन इस इलाके से सेना की क्रूरता और बर्बरता की तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं। और इसी बीच पाकिस्तान से आई एक दूसरी तस्वीर ने उसकी मुश्किलें बढ़ने की गवाही दी, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जोरदार बारिश के बाद उस पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसमें सड़क किनारे खड़े रेड़ी पटरी वालों की दुकानें बहती हुई नजर आईं। वहां से विनाशकारी बारिश के बाद बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक आदमी अपने ठेले के साथ बहता हुआ दिखा, जिसे सैलाब के बीच से निकालने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने उसे हार माननी पड़ी। ऐसा ही हाल बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी दिखा। वहां तो मानो शहर में समंदर ही घुस आया, जिसकी वजह से वहां रहने वालों का बाकी इलाकों से संपर्क ही टूट गया और उनके घर पानी में डूब गए। जानकारी के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से वहां 8 लोगों की मौत हो गई। इधर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बीएसपी के सांसद थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद की सदस्यता छिन गई। 3 दिन पहले गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत संसद की सदस्यता चली जाती है। जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं, और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी, और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरव के आदेश का इंतजार करते हैं, और एक बार कादिरव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरव का ये दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो, लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है, और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमूत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं, वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है, तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था, और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं, रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे।
वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और सीएआर यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरफ ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। बयासी साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हविजर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश जेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जबकि जेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं। वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी जेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से जेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में जेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्ज़र यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी जिन्हें चाहकर भी जेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमूत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमूत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमूत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। एक दूसरा नेटो देश लिथुएनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुएनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो ये सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुएनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी और लिथुएनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुएनिया को ये डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे। हथियार ही नहीं बचे,
और अगर जल्द ही उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो बखमूत में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, जो पुतिन के लिए बड़ी जीत होगी क्योंकि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमूत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेस्क और लुहांस्क से यूक्रेन की सेना को खदेड़ना है तो उन्हें पहले बखमूत को हथियाना होगा, क्योंकि बखमूत जीतने के बाद पुतिन डोनेस्क के क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क शहर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्रमतोस्क और स्लोवियांस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो अब भी पुतिन की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन बखमूत पर कब्जा होने के बाद ये दोनों शहर रूस की तोपों की रेंज के अंदर आ जाएंगे। इसी वजह से बखमूत में पुतिन ने उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी मैदान में उतारा हुआ है। कुछ रोज पहले ही वैगनर ग्रुप ने यह दावा किया था कि बखमूत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से बखमूत में यूक्रेन की सेना हार के करीब पहुंच चुकी है। और यूक्रेन का ऐसा हाल देखकर उसके पड़ोसी पोलैंड की भी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसे भी रूस के हमले का डर सता रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया। नेटो देश पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में बुरी तरह गड़ रहा है और उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि रूस की मिसाइलें किसी भी दिन उसकी तरफ घूम सकती हैं। यानी पुतिन किसी भी दिन उसके पड़ोसी यूक्रेन की तरह उस पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे, लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है, इसी वजह से वो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है और इसके लिए पोलैंड ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पोलैंड इस पैसे से आने वाले 12 साल में एक ऐसी सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन की सेना से मुकाबला कर सके और बिना वक्त गंवाए रूस के किसी भी हमले का जवाब दे सके, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आ गया है। उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है, इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3,00,000। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आई तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर बैन लगाएगी, जिसके बाद कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने फैसले को सही बताया। ये तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार ने पिछले साल ही 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुएनिया को ये डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ लिथुएनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब जेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए, और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए हैं। यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया और अब लिथुएनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। के बीच ही कादिरव ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरव रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी।
यानी जहां रमजान कादिरफ कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी टहर बनकर टूट पड़ेगी। कादिरफ ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरफ को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरफ ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरफ ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरफ के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरफ के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरफ की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरफ के आदेश का इंतजार करते हैं और एक बार कादिरफ ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरफ ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरफ अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरफ ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरफ के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरफ एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरफ का ये दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो, लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो, इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमूत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं, वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना ईरान का साथी और फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास एक्शन में आ गया है। इजराइल की जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में रॉकेट दागे गए और दावा किया कि फिलिस्तीनियों ने गाजा से इजराइल की सरहद में 7 रॉकेट दागे, जिनमें 4 को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 3 रॉकेट आबादी वाले इलाकों से दूर खेतों में गिरे, जिसकी वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ। इजरायली जेल में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी की मौत से गुस्साए फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक इलाके में भी जमकर बवाल किया। जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरफ ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरफ की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। बयासी साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हविजर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी, मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश जेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जबकि जेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं, वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी जेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी, मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से जेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में जेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्ज़र यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी जिन्हें चाहकर भी जेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमूत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर फ्रांस में निकाला गया मार्च सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। फ्रांस की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी। इस बात पर वहां बवाल मचा है, लेकिन सरकार नहीं झुकी तो लोगों ने मजदूर दिवस पर मोर्चा खोल दिया। और फ्रांस की राजधानी पेरिस से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़े नजर आए। लोगों का दिमाग इतना ज्यादा गर्म था कि उन्होंने पुलिस पर ही पेट्रोल पंप फेंक दिए और अगली तस्वीर में एक दो पुलिसकर्मी आग की चपेट में दिखे। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का विरोध कर रहे लोगों के हाथ में जो आया उन्होंने पुलिस पर दे मारा। उन्होंने पुलिस पर कूड़ेदान फेंक दिया, पुलिस को डंडा तक मार दिया, यहाँ तक कि वो पुलिस से दो दो हाथ करने के लिए पटाखे घर से लेकर आए थे। इसके बाद पुलिस भी प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई, लेकिन प्रदर्शनकारी रोकने से भी नहीं रुके। अपने गुस्से की आग में उन्होंने पेरिस को जला डाला। फ्रांस में जगह जगह प्रदर्शनों में हिंसा की वजह से पुलिस को करीब 300 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। इधर फंड की कमी से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने दो दिनों के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी, जिसके बाद डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिस जारी कर दिया और बताया कि गो फर्स्ट की ओर से उड़ानें रद्द करने से पहले डीजीसीए को कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही डीजीसीए की शर्तों का पालन किया गया। गो फर्स्ट ने 3 और 4 मई की उड़ानों को रद्द किया, साथ ही कंपनी ने यात्रा के लिए टिकटों की नई बुकिंग पर भी रोक लगा दी। इस बीच अमेरिका के इलिनॉय राज्य में धूल भरी आंधी ने 6 लोगों की जान ले ली। वहां एक हाईवे में अचानक धूल का ऐसा गुबार उठा कि लोगों के सामने से आ रही गाड़ियां तक दिखना बंद हो गई, जिससे एक के बाद एक करीब 50 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 6 लोगों ने तो उसी हाईवे पर दम तोड़ दिया, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को किसी तरह अस्पताल तक पहुंचाया गया। अमेरिका के इलिनॉय में आई इस धूल भरी आंधी ने सबको हिलाकर रख दिया। वहां से जो वीडियो सामने आए उनमें धूल का बहुत बड़ा गुबार पूरे हाईवे पर कब्जा जमाए नजर आया, जिसके बाद वहां तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां एक दूसरे से जा भिड़ी। 30 commercial motor vehicles and 40 to 60 passenger cars were involved.
इस धूल भरी आंधी का जो वीडियो सामने आया वो बेहद डरावना था। वीडियो में कुछ लोग तो इससे घबराकर अपनी गाड़ियां वापस मोड़ते नजर आए। प्रशासन ने दावा किया कि कुछ गाड़ियों ने टक्कर लगते ही आग पकड़ ली और जलकर राख हो गई। वहीं कुछ गाड़ियों का हुलिया इस हादसे की वजह से बुरी तरह बिगड़ गया और वो चलने लायक तक नहीं बची। इधर जम्मू के नरवाल इलाके में एक पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लश्करे तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन यूएलएफ ने एक चिट्ठी जारी कर दी और इस चिट्ठी के जरिए यूएलएफ ने पेट्रोल पंप पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया। सुबह करीब 10:30 बजे हुए इस धमाके में एक बैंक के एटीएम का दरवाजा भी टूट गया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच पुतिन इतना भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन में अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर भेज दिए। दावा किया गया कि रूस ने वहां TU-160 बॉम्बर पहली बार उतारने का फैसला लिया, जिसे रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, क्योंकि TU-160 बॉम्बर जहां भी गिरता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बाकी बचते हैं। इसलिए रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते ड्रोन के जरिए पुतिन को मारने की साजिश रची गई थी। मॉस्को के पास यूक्रेन का एक ड्रोन भी गिरा था जिस पर कई किलो विस्फोटक लगाया हुआ था। इसकी जानकारी मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर TU-160 यानी व्हाइट स्वान को पहली बार जंग में उतारने का फैसला कर लिया। और दावा तो यह भी किया गया कि रूस के इस ताकतवर बॉम्बर से सुबह यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस की सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई और बताया गया कि रूस के इस खतरनाक बॉम्बर ने यूक्रेन के सैन्य इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया। दावा किया गया कि करीब 18 क्रूज मिसाइलें दागी गईं, लेकिन TU-160 बॉम्बर से कितनी मिसाइलें दागी गईं इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यूक्रेन ने 15 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के इलाकों को लगातार निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए पुतिन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन सेना में मौजूद हर तरीके के हथियारों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है, जिससे वो यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों के ताकतवर हथियारों का सामना कर सकें। और इसकी शुरुआत उन्होंने TU-160 बॉम्बर को उतार कर की। दावा किया गया कि इस बॉम्बर के मैदान पर उतरने की खबर ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि TU-160 दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ता है। यही नहीं, ये बॉम्बर 40,000 किलो बम और मिसाइलें लेकर उड़ान भरने की ताकत रखता है। इसीलिए रूस के इस खतरनाक बॉम्बर को व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुतिन को अपने इस गुस्से का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश उन्हें युद्ध अपराधी की तरह देख रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में गिरफ्तार तक किया जा सकता है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स की बैठक में शामिल न होने का सुझाव दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां की सरकार के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च में ही युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप है कि उनके आदेश पर ही यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इस वारंट के बाद पुतिन के लिए उन देशों में खतरा बढ़ गया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं, और इसीलिए अब पुतिन के लिए दक्षिण अफ्रीका भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इसलिए पुतिन को चेतावनी दी गई कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ना ले। ब्रिक्स की बैठक अगस्त में होगी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत और ब्राजील के नेता शामिल होंगे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की चेतावनी के बाद अभी तक रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई गैंग वॉर से जुड़ी। तिहाड़ जेल में हुई गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है। सूत्रों के मुताबिक टिल्लू की हत्या के कुछ ही देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें गोल्डी बराड़ ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बराड़ ने अपनी पोस्ट के जरिए यह भी ऐलान किया कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर उसने जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला ले लिया। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। हालांकि दोनों शूटरों को पुलिस ने कोर्ट में ही मार गिराया था। आरोप है कि टिल्लू ताजपुरिया ने ही जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रची थी। उसी के इशारे पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उसके शूटरों ने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और करीब 1.5 साल बाद तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे योगेश टुंडा और उसके तीन साथी दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान ने टिल्लू पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि टिल्लू इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे फौरन दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। टिल्लू ताजपुरिया की मौत की खबर आते ही दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया, क्योंकि 19 दिन के अंदर तिहाड़ जेल में यह दूसरी बड़ी वारदात है। पिछले महीने की 14 तारीख को भी तिहाड़ जेल में गैंगवार हुई थी, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी।
और पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रिंस तेवतिया पर भी जेल में बंद चार बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था। ठीक उसी तरह एक बार फिर तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया को भी मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी योगेश टुंडा तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद था। ये जेल फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि टिल्लू ताजपुरिया ग्राउंड फ्लोर पर बनी जेल नंबर 9 में बंद था। सूत्रों का कहना है कि गोगी गैंग का गुर्गा योगेश टुंडा और उसके तीनों साथी सुबह करीब 6:15 बजे अपने वार्ड की ग्रिल काट कर बाहर आए। इसके बाद बेडशीट का इस्तेमाल कर सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए और फिर चारों आरोपी ग्रिल काट कर टिल्लू ताजपुरिया के सेल में घुस गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चारों आरोपियों ने नुकीले हथियारों से टिल्लू पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, जिसके फौरन बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस हमले में रोहित नाम का दूसरा कैदी भी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं टिल्लू की मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने दीनदयाल अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया। डीडीयू अस्पताल के ठीक अंदर भारी मात्रा में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों की यहां पर तैनाती आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आशंका जताई जाने लगी कि टिल्लू की मौत के बाद उसके गैंग के लोग अस्पताल में बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। और इसी वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अस्पताल के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के बवाल से निपटा जा सके। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसमें एंट्री मारी। टिल्लू ताजपुरिया की मौत के कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने बाकायदा अपनी पोस्ट में यह ऐलान किया कि उसके साथियों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारकर जितेंद्र गोगी का बदला ले लिया। यही नहीं, गोल्डी बराड़ ने यह धमकी भी दी कि जो भी जितेंद्र गोगी की हत्या में शामिल थे उन्हें भी जल्द ही मार दिया जाएगा। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर मारने की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी। और ये वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसके शूटरों ने पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोल्डी बराड़ ही मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने ही विदेश में बैठकर तिहाड़ में बंद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवा दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू पर हमला करने वाला गैंगस्टर योगेश टुंडा गोगी गैंग का खास गुर्गा है। आरोपी दीपक तीतर और राजेश बवाना अपना गैंग चलाते हैं, जबकि चौथा आरोपी रियाज खान हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली के ताजपुर गांव का रहने वाला था, जबकि जितेंद्र गोगी उसके बगल के गांव अलीपुर का रहने वाला था। और वे एक वक्त ऐसा भी था जब कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज के चुनाव में दोनों एक दूसरे के विरोधियों को सपोर्ट करते थे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2013 में कॉलेज के चुनाव में दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोस्ती में दरार आने के बाद टिल्लू और जितेंद्र गोगी ने अलग अलग गैंग बना लिया। बाद में दोनों की दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की आंखों में चुभने लगे। लेकिन कॉलेज में चुनाव को लेकर यह दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई और उसके बाद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि दोनों कुछ दिनों तक नीरज बवानिया गैंग के लिए काम करते रहे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी दौरान 2014 में जितेंद्र गोगी ने टिल्लू के करीबी राजू की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया ने 2015 में गोगी के करीबी अरुण कमांडो का मर्डर करवा दिया था। इसके बाद तो दोनों गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि 2015 से ही टिल्लू और जितेंद्र गोगी एक दूसरे को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। सूत्रों का कहना है कि 2020 में जितेंद्र गोगी ने जिगाना पिस्तौल से टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। ये वही जिगाना पिस्तौल है जिससे 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस दौरान टिल्लू को जितेंद्र गोगी की इस साजिश की भनक लग गई थी, जिसके बाद आरोप है कि उसने तिहाड़ जेल के अंदर से ही अपने शूटरों की मदद से 2021 में जितेंद्र गोगी की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या करवा दी। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से ही उसके गैंग के शूटर टिल्लू को ठिकाने लगाने की साजिश रचने में जुट गए थे। दावा है कि कई बार जेल के अंदर भी टिल्लू को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से जितेंद्र गोगी गैंग का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस वक्त गोगी गैंग की कमान रोहित मोई के पास है, जिसने टिल्लू ताजपुरिया को मारने की कसम खा रखी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि साल 2021 में गोगी गैंग के शूटरों ने टिल्लू ताजपुरिया को पुलिस कस्टडी में मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। सूत्रों का कहना है कि 10 दिन पहले भी टिल्लू को रोहिणी जेल में मारने की साजिश रची गई थी, उस दौरान भी टिल्लू बच गया था। लेकिन इस बार गोगी गैंग के गुर्गे योगेश टुंडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर सनसनी फैला दी। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि इलाके पर वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे वक्त से विवाद था, जो अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के कई लोग आमने सामने आ गए।
कहने के लिए तो ये दोनों एक ही पार्टी टीएमसी से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच मरने मारने तक की नौबत आ गई। इसी बीच एक गुट के लोगों ने दूसरे पर बम फेंक दिया। जैसे ही एक गुट ने बमबाजी शुरू की, वहां के हालात बिगड़ गए। फिर तो दोनों तरफ से एक के बाद एक कई बम फेंके गए, जिससे वो इलाका थर्रा गया। बमबाजी की वजह से उस गांव के लोग काफी देर तक दहशत में रहे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। इधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कनाडा पुलिस ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया। दावा है कि गोल्डी बराड़ के कहने पर ही सिद्धू मूसेवाले की पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए कनाडा पुलिस ने गोल्डी बराड़ का नाम 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में डाल दिया। इस लिस्ट में गोल्डी बराड़ का नाम 15वें नंबर पर है। कनाडा पुलिस का मानना है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कनाडा में ही छिपा है, जो कि वहां की जनता के लिए खतरनाक है। उधर अमेरिका का दावा है कि पिछले महीने में पुतिन की फौज के 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने इस दौरान रूस के 1,00,000 सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया। यानी पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के मुताबिक पिछले 5 महीने में रूसी सेना को सबसे ज्यादा बखमूत में झटका लगा। बखमूत पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर कब्जे के लिए